Hey guys, welcome to today's vlog, and we are here today in IKEA. इनसाइड आईकिया और हम लोग को अंदर आने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे, तो आपका जो एलोकेटेड टाइम है उससे आपको आधे घंटे पहले आना इज़ एडवाइजेबल। और हम लोग अभी जस्ट यहाँ पर आए हैं और कुछ 4 बज रहे हैं और हम लोग बहुत ही भूखे हैं, सो हम लोग ने सोचा कि हम लोग जाके कुछ पहले खा लेते हैं, पी लेते हैं। हम लोग हमारे दोस्त का वेट कर रहे हैं, तब तक मैं आपको मिला देती हूँ। मेरी इस फ्रेंड से आना था, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड दिस इज़ प्रेषिता। She is Anagha's colleague, my friend. She is a photographer and we are also waiting for Raveen, हमारा एक और दोस्त है, वो एंट्री करके आ रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। लेट्स सी व्हाट ऑप्शंस आर देयर। यहाँ के स्वीडिश मीट बॉल्स आर वेरी वेरी फेमस और आई एम जस्ट होपिंग कि मुझे वो यहाँ पर खाने को मिल जाए। IKEA एक स्वीडिश मल्टीनेशनल कंपनी है। ये एक तरह का सुपर स्टोर है जहाँ पर आपको रेडी टू असेंबल फर्नीचर, होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस वगैरह मिल सकते हैं। मैं फिलहाल आई हूँ नवी मुंबई के IKEA में, जो दिसंबर 2020 में ही ओपन हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें काफी भूख लगी थी, तो हम लोग सीधे फूड कोर्ट ही आ गए। मुझे IKEA का ये फॉर्मेट बहुत ही पसंद आया। इन्होंने कस्टमर्स की जरूरतों को बखूबी समझा है और उसी हिसाब से पूरा सुपर स्टोर डिजाइन किया है। अब शॉपिंग करते वक्त भूख तो लगेगी ही। अरे अरे डरिए मत, ये सारा खाना मैंने अपने लिए नहीं मंगाया है, मेरे साथ मेरे और 3 दोस्त भी हैं, हम चारों मिलकर ये खाना खाने वाले हैं। ये पूरा स्टोर दरअसल 2 फ्लोर्स में मेनली डिवाइडेड है। इस फ्लोर पर आपको ज्यादातर बेडरूम, लिविंग रूम के फर्नीचर, एक्सेसरीज वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स पर ये रेड कलर के टैग्स लगे हुए दिखेंगे। अगर आपको कोई भी डिस्प्ले का प्रोडक्ट पसंद आता है तो आपको इन टैग्स का फोटो खींचना है और उसके बाद आप टुवर्ड्स दी एंड जब फाइनल चेकआउट के लिए जाते हैं तब वहां पर आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। IKEA ने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले के तौर पे छोटे छोटे सेक्शंस बनाए हुए हैं ताकि आपको ये प्रोडक्ट्स और फर्नीचर्स खरीदते वक्त एक बेहतर आइडिया मिले। Done exploring the top floor where the food court was, and now I have come here on the ground floor, and here you can find a lot of kitchenware, etc., etc. So right now we have been told to get a bigger trolley, so I am getting like a bigger trolley and putting all my stuff over there. ग्राउंड फ्लोर वाला सेक्शन है, मुझे यहाँ पर बहुत ही मजा आया।
यहाँ पर बेडशीट्स, पिलो कवर्स, बोल्स्टर्स, पिलोज, कटलरी, किचन वेयर, किचन स्टोरेज, काफी सारी चीजें थी जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में थी। यहाँ पर आपको इतनी वैरायटी मिलेगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या ले और क्या नहीं। आइकिया में आपको घर की जरूरत की ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि ये लाइट्स। मैंने यहाँ पर इतनी खूबसूरत लाइट्स देखी और इतनी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में कि मैं खुद को रोक ही नहीं सकी और मैंने 2 लैम्प शेड्स खरीद लिए। यहाँ पर आपको काफी सारी स्टोरेज सॉल्यूशंस वगैरह मिलेंगे जो आपको आपका सामान और आपके कबर्ड में चीजें वगैरह ऑर्गेनाइज करके रखने में हेल्प करेंगे। आई थिंक जो न्यू होम ओनर्स होते हैं या जिन्होंने नया घर लिया हुआ है, उनके लिए आइकिया में आके नई नई चीजें खरीद के अपना घर सजाने का मजा अलग ही होगा। सो मुझे पर्सनली घर में प्लांट्स वगैरह रखना बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ कॉर्नर्स होते हैं जहां पर यू नो सनलाइट नहीं पहुंचती और वहां पर हमें आर्टिफिशियल प्लांट्स रखने पड़ते हैं जस्ट ताकि वो ओवरऑल घर को एक अच्छा खूबसूरत सा लुक दे। तो ये आर्टिफिशियल प्लांट्स आपको आइकिया में भी काफी अच्छे मिल सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक आपको काफी सारी वैरायटी यहां पर मिल जाएगी। अल्टीमेटली सारी शॉपिंग करने के बाद आप एक चेकआउट एरिया की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले वो रेड टैग्स के बारे में बताया था, तो वो रेड टैग्स वाले जो फर्नीचर्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल सकती है, आप यहाँ पर उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से फाइनली सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद आप बढ़ते हैं पेमेंट काउंटर की तरफ। तो फाइनली गाइस हमारी शॉपिंग खत्म हो चुकी है और हम लोगों ने काफी सारी चीजें ली है। अभी हमारी दोनों ट्रॉली वैसे भरी तो नहीं है एंड हमें लग रहा था कि हम इसे भरते जाए, लेकिन बजट नाम की भी कोई चीज़ नहीं तो, बट लेकिन यहाँ पर आइकिया में काफ़ी सारी चीज़ें अफोर्डेबल मिल दिया। तो हम जा रहे हैं अभी लाइन की तरफ, लंबी लाइन है, इंतज़ार करना है, बट हमने पेट भर के खाना वगैरह अच्छे से खाया हुआ है। सो लेट्स जस्ट गो एंड लेट्स सी बिल कितना आता है। सो गाइज, अगर आप आइकिया आने का प्लान कर रहे हैं तो आप 3-4 घंटे फुर्सत से निकाल कर ही आइएगा और थोड़े से कंफर्टेबल शूज भी पहन कर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी चलना होगा। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।